राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में टिड्डियों का लगातार बढ़ता जा रहा है प्रकोप। वही हवा के झोंके के साथ टिड्डियां एक ही दिन में 70 किलोमीटर तक अंदर घुस आई हैं। इससे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां टिड्डियां बबूल के पेड़ों से लेकर कपास की फसलों को चट कर रही हैं। इसके अलावा केर, सांगरी और अनार के बागों को भी नुकसान पहुंचा रही है। टिड्डियों का ये प्रकोप केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ये टिड्डियाँ अपने जीवन काल में अंडे देते हुए आगे बढ़ती हैं। अनुकूल मौसम आने पर इन्हीं अंडों से निकली टिड्डियाँ तबाही मचाने लगती हैं। अभी जो टिड्डियाँ सक्रिय हैं, उसे इनके ग्रीष्मकालीन प्रजनन शुरू होने का संकेत माना जा रहा है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में इनका प्रकोप बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं राजस्थान को बीती सर्दी में भी रेगिस्तानी टिड्डियों के हमले से जूझना पड़ा था। इससे लगभग 12 जिले प्रभावित हुए थे। वहीं लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर एक तिहाई फसल खराब हो गई थी। इस नए हमले से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता मांगी है, लेकिन कृषि विभाग में अधिकारियों के खाली पदों को फिलहाल टिड्डी नियंत्रण में बड़ी बाधा माना जा रहा है। इस पूरे मामले पर जैसलमेर के किसान प्रकाश चौधरी से फोन पर बात की है स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनिका आर्य ने। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, क्या है जमीनी हकीकत। हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ गए, प्रकाश चौधरी इनका नाम है, जो कि जैसलमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है आखिर टिड्डियों को लेकर, जो ये चार महकमे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन विभाग कह लें, कृषि विभाग बोल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर जिला स्तर पर सभी अधिकारियों का ये दावा है कि हम मुस्तैदी से इस पर काम कर रहे हैं। हाँ जी मैम, ये चीज केवल कागजी कार्रवाई के रूप में जारी है। ये सूचना हमारे पास भी आती है, हम भी अखबार देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, हम भी कृषि विभाग में संपर्क करते हैं। हमारे पिछले साल टिड्डी आई थी, उस टाइम जो अपने पश्चिम राजस्थान पूरा वहां पे अटैक हुआ था, तो वहां टिड्डी नियंत्रण के लिए मेन दिक्कत वहां आ रही थी कि कृषि विभाग है जो संसाधनों से ज्यादा कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था। कर्मचारियों की क्या कमी है ये बताएं, क्या हम ये भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनको ज्वाइनिंग दो। हाँ जी, वहाँ कृषि पर्यवेक्षकों की मैम जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ लगभग 80% तक का जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। वहाँ केवल 20% ही सुपरवाइजर है वहाँ, और कृषि सहायक कृषि अधिकारी बैठे हैं वहाँ। तो जो भी अब किसानों को जानकारी लेनी होती है, चाहे टिड्डी दल आता है, चाहे कोई सरकार की योजना आती है, तो वो वहां पर टाइम से लागू नहीं हो पाती है। अब टिड्डी दल के लिए पिछले साल पूरे वर्ष भर किसानों ने स्वयं के स्तर पे कार्य किया था और टिड्डी दल कंट्रोल किया, फिर भी उसमें सरकार ने वाहवाही लूटी थी, कर्मचारी नहीं लगाए थे। पिछली बार केवल पश्चिमी राजस्थान से अटैक हुआ था, अगली बार पश्चिम राजस्थान और उत्तरी राजस्थान दोनों साइड से हो रहा है। इस बार तो अकाल तक की चेतावनी आ गई है। हाँ जी मैम, कितनी भारी समस्या है ये। जी, बहुत भारी समस्या है। हम अकाल तक की चेतावनी दी है कि आप कोरोना महामारी में भूखमरी की चपेट में भी आ सकता अगर टाइम रहते हुए टीडी दल पर कंट्रोल नहीं किया तो। अब मैम टीडी दल कंट्रोल कैसे होगा, हमारा जो जैसलमेर जिला, वहां मैं बडोड़ा गांव से बोल रहा हूँ, हमारे वहां क्लस्टर लगता है कृषि विभाग का चांदन, वहां पे पूरा का पूरा कृषि विभाग खाली पड़ा है। दो कृषि प्रवेशक है वहां पे, एक सहायक कृषि अधिकारी है वहां पे, तो टीडी कंट्रोल कैसे होगा। 2 तारीख को मेरे खुद के ट्यूबवेल पे बैठ गया था टीडी दल, तो वहाँ सुपरवाइजरों के लिए किया था, तो वहाँ सुपरवाइजर बहुत कम है, जो सुपरवाइजर है तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं पूरे, तो पूरा जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का पश्चिम राजस्थान पूरा खाली पड़ा है। तो मैम टिड्डी दल कंट्रोल कैसे होगा, कैसे हम बच पाएंगे। क्या आप लोगों ने ये जो जमीनी समस्याएं हैं इसे अधिकारी वाकिफ हैं, उन तक आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई। हाँ जी मैम, बात पहुंची है, हमने हमारे विधायकों तक, हमारे सांसदों तक बात की है, और उन्होंने भी ये बात बोली है कि हमने लेटर पेड जारी कर दिए हमारे, कि जो कृषि परिषद की एक भर्ती चल रही है कि उनको कंप्लीट करेंगे, और एक सहायक कृषि अधिकारी की कोई और भर्ती चल रही है कि उनको हम टाइम पे कंप्लीट करके लगा देंगे, पर अभी लगा नहीं रहे। तो मैम हमारे पिछले वर्ष भी पूरा नुकसान हुआ था, और इस वर्ष तो अकाल की चेतावनी दी है, तो पशु कैसे रहेंगे, हम कैसे क्या खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और कृषि विभाग अभी भी इस चीज के लिए सेंध नहीं ले रहा किसानों को। आपने बताया कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर, ये इलाके जो हैं यहाँ पर समस्या कुछ ज्यादा है,
और यही इलाकों में अगर हम बात करें तो पोस्ट खाली हैं, वेकेंट पड़ी हैं कृषि हाँ जी मैम पर्यवेक्षकों की, तो क्या है हाँ स्थिति जी अभी? मैम, जोधपुर की आपको स्थिति बताऊं तो जोधपुर में लगभग 280 सीट स्वीकृत है, उसमें केवल 70 बंदे ही काम कर रहे हैं कृषि प्रयोगशाला के, 200 सीट खाली पड़ी है। जालौर की बात लें तो जालौर में 180 लगभग सीट खाली पड़ी है। बाड़मेर की लें तो बाड़मेर में 150 सीट खाली है। जैसलमेर को लें तो जैसलमेर में 170 लगभग वहां खाली है। तो पश्चिम राजस्थान में जो कागजी कार्रवाई के लिए बोले कि सब जगह तैयार है, तो वहां कृषि प्रयोगशाला तो पूरे खाली है, तो फिर वो कार्रवाई करेगा कौन? पिछली बार हमारा अटैक हुआ तो हमने कृषि विभाग में सूचना दी थी, तो वहां कृषि प्रयोगशाला कहे थे तो वो बोले कि हम दो ही कृषि प्रयोगशाला है और हमारे पास 140 किलोमीटर का दायरा मिला हुआ है। अब पश्चिम राजस्थान पूरा है जो रेतीला इलाका है, अब हम वहां कैसे जाए, तो उसमें भी दिक्कत आती है जी। बहुत तो शुक्रिया, ये जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं वो आपने सामने रखी, अंदर की बात सामने रखी। चाहे भले ही सरकार की तरफ से जो जितने महकमे हैं वो सब दावे कर रहे हैं कि बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, मगर आपकी बात सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। लापरवाही मैम हो रही है, इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। अगर किसान भुगतेगा तो पूरा राजस्थान भुगतेगा, क्योंकि भूखमरी की चपेट में आ जाएंगे। टिड्डी दल है वो अपने खेजड़ी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, बबूल तक को नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। जो अभी उत्तरी राजस्थान में कपास की फसल बो रखी है वो उग कर आ रही है, तो उसको जर्मिनेट होते ही उसको उखाड़ रही है, वो पत्ते खा रही है, फिर वो फसल किस काम की बचेगी? अगर फसलों की बात करें तो कौन कौन सी फसलों को चट कर रहे हैं ये टिड्डी दल? मैम अभी सब्जियां लगी हुई है और जो बागवानी के हैं, जिसके ऊपर आकर बैठ गई टिड्डी तो उस पौधे को साफ कर देगा, चाहे भले ही नीम का पौधा मिल गई टिड्डी को तो नीम के पौधे को भी खा जाएंगे वो जी, चाहे आक मिल गया तो आक को भी खा जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया तो मैम इस बातचीत के लिए, ये जानकारी देने के लिए।